भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी चटपटी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल भोजपुरी फिल्मी तड़का को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ी किसी भी वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वैसे अक्षय सिंह ने ट्रेंड शुरू कर दिया हीरोइनों के बीच सिंगिंग का। मैं मानता हूँ कि अक्षय सिंह ने ट्रेंड शुरू किया, आप गाती थी, उसके बाद रानी चटर्जी गाने लगी, रिसेंटली काजल राघवानी भी गाने लगी हैं। इसे कैसे देखती है अक्षय सिंह, इसे कॉम्पिटिटर मानती हैं क्या इन लोगों को? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ और अपने काम पर ध्यान देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, सब अच्छा करें, सब आगे बढ़ें और क्या, सबको हक है अच्छा अच्छा काम करने का, और उस बारे में कमेंट तो करना उचित नहीं। अब तो आपको देख के विलन ने भी गाना शुरू कर दिया, अवधेश मिश्रा ने भी गाना गाया थोड़े दिन पहले हमारे इंटरव्यू में। अच्छा वाह, तो ये अच्छी बात है ना, इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है, और क्या चाहिए। अक्षरा जी, वैसे आपकी फिल्म एक आ रही है, हमें पिछले दिनों मिला था, बबुआ बवाली, जिसके लिए आप साइन हुए हो, जरा आप उसके बारे में बताओगे? हमारे प्रोड्यूसर से बात हुई, डायरेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमने अक्षरा को साइन तो किया है लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि अक्षरा सिंह इसमें हीरोइन होंगी या उसमें कोई सॉन्ग करेंगी। देखिए, ये फिल्म का सिनारियो क्या है, इंडस्ट्री हमारी ऐसी है ना कि पल पल कब क्या कुछ हो जाए इसकी किसी को खबर नहीं रहती है, तो उसी तरीके से मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं। हाँ, साइन मैं हुई हूँ, बट कल तक साइन हुई थी और शूटिंग हम लोग ये दिसंबर में करने वाले थे, पर पता नहीं क्या हुआ और कुछ खबर नहीं है इस बारे में, तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। तो जी, एक गाना आपका था खेसारी जी के साथ जिसमें लड़की धोखा देती है, जी जी जी, वो गाना आपका यूट्यूब पे अब अवेलेबल नहीं है किन्हीं कारणों से। नहीं, YouTube मुझे क्यों धोखा देगा, YouTube की ही वजह से आज तो मैं आगे बढ़ी रही हूँ। वो गाना शायद कुछ दो कंपनीज के बीच का मामला है, तो ज़्यादा डीपली नहीं जानती, बट हाँ उस वजह से ब्लॉक हुआ है इतना पता है। नहीं तो अक्षरा के लिए झटका नहीं है, पहुँच गया था, ऑब्वियसली झटका है, बिकॉज एक कलाकार होने के नाते हर काम आपका सराहा जाए लोगों के द्वारा, वो हम सब कलाकार चाहते हैं, और बेहद दुख की बात है कि 50 मिलियन पहुंचने के बाद उस गाने को बंद किया गया है। आई डोंट नो क्यों, बट आई होप कि जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाए और वो गाना फिर से शुरू हो जाए। अच्छा, कई सारे लोग ये कह रहे हैं अक्षय जी, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो गाना होता जिस तरह से चल रहा था, जिसकी जो रफ्तार थी, हाँ, वो शायद सबसे हिटेस्ट गाना होता यूट्यूब का। सचमुच ये बहुत अच्छी बात है कि हिट होता, बिकॉज वो मेरे ख्याल से 10-15 लाख पर डे जा रहा था, 24 घंटे का इसका बहुत ही फास्ट व्यूज थे, और ये बेहद खुशी की बात है। अच्छा, लोग ये कह रहे थे कि उसकी जो सबसे अच्छी बात थी या सबसे खास बात थी वो अक्षरा और खेसारी लाल की वो जोड़ी थी जो लंबे समय बाद दिखाई दी, इसकी वजह से वो गाना हिट हुआ। आपको भी ऐसा लगता है? मे बी ये रीज़न भी हो सकता है, पता नहीं, ये तो दर्शक ही जानते होंगे। अच्छा, अभी दबंग सरकार रिलीज पर है खेसारी लाल की, कल रिलीज हो रही है, मैं चाहता हूँ कि अक्षरा सिंह कुछ कहना चाहती हैं ऑडियंस को, क्या अक्षरा सिंह खेसारी लाल की दबंग सरकार देखने जाएंगी? अगर समय मिला तो ज़रूर जाऊँगी देखने, यहाँ तो शूटिंग पे हूँ, अगर समय मिला तो जाऊँगी। मेरे तरफ से दबंग सरकार की पूरी टीम को और खेसारी जी को, उनकी एक्ट्रेस को, सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं।